नमस्ते प्रणाम। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ अपनी कक्षाएं लेने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा CTET का सिलेबस चल रहा है और हम सभी शिक्षक मिलकर 3800 जिले के बिहार से अपने CTET के सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं अपनी जो मैंने अभी तक कक्षाएं दी हैं उसमें एक नई कक्षा आज दे रही हूँ जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता विभिन्नता के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने इस क्लास के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड वर्क करके रखा है, आप सभी इस बोर्ड वर्क को थोड़ा ध्यान से देखें। बोर्ड वर्क करना ज़रूरी होता है क्योंकि सवाल ऐसे ही लिखित लंबे लंबे आते हैं, तो जहाँ पर लिखित लंबे लंबे सवाल हैं उसको अगर आप पॉइंट आउट ध्यान से करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये आपको विषय वस्तु किस तरफ इशारा कर रही है। शैक्षणिक परिभ्रमण में शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत हम जो शैक्षणिक कार्य करते हैं इसमें हमारा जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है इसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षक के सबसे ज़्यादा पढ़ाई के सवाल आते हैं, शिक्षक परीक्षाओं के लिए सवाल आते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही सापेक्ष हो रहा है, व्यक्तिक विभिन्नता इसका मतलब होता है लोगों के बीच में अंतर। व्यक्तिक मतलब व्यक्ति और विभिन्नता का मतलब अंतर, अलग होना। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कंसेप्शन कि लोगों व्यक्तियों के बीच में विभिन्नताएं होती हैं। तो ये वर्ड वर्क आप थोड़ा ध्यान देख लें। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में अंतर है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। यहाँ तक कि हम लोग बहुत सारे ऐसे जुड़वा बच्चों को भी देखे हैं जो जुड़वा बच्चे भी आपस में अलग होते हैं। अगर उनका देखने में वो एक जैसे होंगे भी तो उनकी सोच में अंतर होगा, उनकी लंबाई में अंतर होगा, उनके कार्य करने की क्षमता में अंतर होगा, उनकी मानसिक स्थिति में अंतर होगा, उनकी शारीरिक बनावट में अंतर होगा। यानी कि हर कोई एक दूसरे से अलग है और हर किसी में कोई ना कोई गुण है और हर किसी में कोई ना कोई हानि है। तो व्यक्तिक विभिन्नता के माध्यम से हम वैसे अध्याय के माध्यम से हम ये अध्ययन करते हैं कि लोगों में शारीरिक अंतर होता है, मानसिक अंतर होता है, व्यक्तिगत अंतर होता है, ये जितने भी अंतर हैं ये सभी अंतर आ जाते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत। अब आप एक चीज देखिएगा, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के मैंने विचार भी रखे हैं क्योंकि विचार सवाल पूछे जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से विचार दिए। तो यहाँ पे पहला मैंने नाम दिया है स्कीनर महोदय का, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विचार दिया कि व्यक्तिक विभिन्नताओं से है हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के उन पहलुओं से है जिनका मानसिक मापन व मूल्यांकन किया जा सके। ये मानसिक मूल्यांकन और मापन, जैसे हमने कहा कि जुड़वा बच्चे में भी अंतर होता है, अगर शारीरिक ढांचा एक जैसा होगा, रंग रूप एक जैसा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मानसिक स्तर में अंतर आता है, उसकी शारीरिक अंदरूनी अंगों में भी अंतर आता है। इसी प्रकार जेम्स डेवर मनोवैज्ञानिक ने भी अपनी विचार व्यक्त की है। उनका भी विचार मानना था कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता है उसे उसका व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यानी समूह में भी जब लोग रहते हैं तो आप ये गौर करते होंगे कि समूह में भी लोगों में अंतर रहता है। यानी कि अगर एक जैसे बच्चे को अगर हम विद्यालय में नामांकित करते भी हैं, एक उम्र के भी रहते हैं, तब भी उनमें अंतर हमें देखने को मिलता है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। अब यहाँ इसी प्रकार टायलर ने भी कहा है कि शरीर के रूप रंग आकार, काम करने के तरीके, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि सभी में भिन्नताएं होती हैं। आप लोग भी विद्यालय में गौर करते होंगे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है।
अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि हर किसी में कोई ज़्यादा अच्छा बोल लेता है, कोई ज़्यादा अच्छा लिख लेता है, कोई ज़्यादा अच्छा अभिनय कर लेता है, कोई ज़्यादा अच्छा अपनी बातों को रखता है, लेकिन सब में सब कुछ एक जैसा नहीं होता। तो ये हमें ये मिली हुई है, ये हमारे शरीर में ही है कि हमारे शरीर में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, हर एक में अंतर है। अब इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के विभिन्न प्रकार। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर को देखा और सुना तो जाना कि व्यक्तिक भिन्नता मतलब कि हर व्यक्ति में भिन्नताएं हैं, हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति अपने शारीरिक ढांचे, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी अंतर है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले भाषा में अंतर होता है, बोलने की क्षमता में अंतर होता है। दूसरा इसका प्रकार है लिंग में अंतर होता है। तीसरा होता है प्रकार बुद्धि में अंतर का होना। और चौथा है परिवार और समाज के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का होना। और छठा है शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का होना। जैसा कि पहला हमने जाना कि भाषा के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि कोई बच्चा अपने घर में दो भाई बहन, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट से बोलता है, तो जल्दी और सही बोलता है, कोई बच्चा तोतला के बोलता है, तो ये एक भिन्नता हो गई, यानी कि वो इससे अलग हो गया। तो इसे ही हम व्यक्तिक भिन्नता की कैटेगरी में श्रेणी में रखते हैं। उसी प्रकार लिंग के आधार पे लड़का और लड़की में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। पुरुष और स्त्री में पुरुष लंबे चौड़े होते हैं, स्त्रियां उनसे कम अपेक्षित लंबी चौड़ी होती हैं। शारीरिक बल पुरुषों का ज़्यादा होता है। फिर स्त्रियों में भी कहा जाता है कि वो बुद्धि की तेज होती हैं। तो कुछ भिन्नताएं तो लैंगिक आधार पर भी है, स्त्रियों की आवाज़ मीठी होती है, पुरुष की भारी होती है। तो शारीरिक आप देख लो या मानसिक देख लो, अंतर आपको देखने को मिलता ही है। तो इसको भी हम व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत ही रखते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के आधार पर भी हमने कहा कि हर बच्चा हर प्राणी एक जैसा नहीं होता है। हम अपने आस पड़ोस में ही देख लें, जहाँ हम रहते हैं हम वहीं पे देख लें, तो आपको हर प्रकार के लोग एक ही घर में देखने को मिल जाएंगे। एक ही परिवार में कोई बहन बहुत तेज होती है, कोई भाई बहुत तेज होता है, कोई कमज़ोर हो जाता है। हमारे उंगलियों में ही 5 उंगली एक जैसी नहीं है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे छोटी है, एक उससे मोटी है, एक सबसे पतली है, तो अंतर है ना। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। उसी प्रकार परिवार और समाज का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनके कारण भी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे कोई समाज अगर खुले विचारों का है, वहाँ स्वतंत्रता है बोलने की, वहाँ स्वतंत्रता है पढ़ने लिखने की, वहाँ स्वतंत्रता है विकास करने की, तो वहाँ के समाज में लोग विकास करेंगे। अब किसी समाज में अगर छुपी ढकी परंपरा है, लोगों को छुपा के ढक के रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है, तो वहाँ के लोगों का विकास उस तरह का होगा। तो आप ये सब चीज़ देख रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है। इस प्रकार से मानव के शरीर का मस्तिष्क का विकास होता है। तो समाज और हमारे परिवार का भी प्रभाव हम पर सापेक्ष रूप से पड़ता है। उसी प्रकार शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास लैंगिक विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत आ गया कि कोई भाई है तो दो भाई बहुत लंबा है, कोई नाटा है कोई मोटा है, तो ये शारीरिक विकास का भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। कोई गोरा है कोई काला है। तो इस प्रकार से आप गौर करेंगे कि हमारे जो यहाँ के मतलब हम लोग शरीर के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता कर पाते हैं। जैसे आप अगर चाइना जापान के लोगों को देखेंगे और यहाँ के लोगों को देखेंगे, तो चेहरे बनावट हाव भाव से बहुत तरह अंतर पकड़ लेंगे। तो आप देख के ही कहेंगे कि ये चाइना का है, ये जापान का है। उसी प्रकार आप अमेरिका इंग्लैंड के लोगों को, विदेशों के लोगों को देखेंगे, तो आप अंतर कर लेंगे कि कौन विदेश के हैं कौन भारत के हैं। तो ये सारे मनोविज्ञान के अंतर्गत इसी को व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है।